जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता प्रदीप राठौर ने ग्राम पंचायत तुल्हा के लोगों से अपील की है कि आजकल ब्यास नदी में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण विभाग को पानी देने में असमर्थता हो रही है, फिल्टर चौक हो रहे हैं। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि इस वक्त जो परेशानी चली है, इसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करें तथा विभाग का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि हमारे विभाग द्वारा लगाए गए पंप व मोटर बिल्कुल सही है। जैसे ही नदी का पानी साफ होता है तो क्षेत्र के लोगों को पूरा पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा, परंतु अभी नदी का पानी इतना गंदा है कि फिल्टर नहीं काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत तुल्हा के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से पानी उठाया जा सके। प्रदीप राठौर ने ग्राम पंचायत तुल्हा के प्रतिनिधियों तथा जनता से अनुरोध किया है कि ऐसी परिस्थिति में विभाग का सहयोग करे, जितना आपको पानी मिल रहा है उसी में अपना गुजारा करे। उन्होंने बताया कि बिजली की भी लड़भड़ोल में समस्या है, उस कारण भी पानी की सप्लाई करने में कमी आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत गंदे पानी से हो रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि इस मुश्किल के दौर में विभाग का सहयोग करें, जैसे ही पानी साफ हो जाएगा लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। तुल्हा पंचायत की जनता का ध्यान IPS की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आजकल रिवर ब्यास में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण विभाग को पानी देने में असमर्थता हो रही है और विभाग के जो फिल्टर बैठे हैं वो चौक हो जा रहे हैं। तो मेरी जनता से करबद्ध अनुरोध है कि इस वक्त जो परिस्थिति चली हुई है उसमें पानी का कम से कम यूज करें और विभाग का सहयोग करें। और बाकी हमारे पंप बिल्कुल ठीक है, मोटर बिल्कुल ठीक है, पानी का कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब जैसे ही नदी का पानी साफ होता है तो विभाग पूरा पानी उपलब्ध करवा देगा, परंतु आज की डेट में इतना गंदा पानी है कि फिल्टर पैड जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और तुल्हा के लिए कोई दूसरी ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ से हम इस वक्त पानी उठा सकें। तो मैं प्रधान जी की और जो भी जनता है तुल्हा पंचायत की, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस समय जो ऐसी परिस्थिति है उसमें विभाग का सहयोग करें और जितना थोड़ा थोड़ा पानी राशनिंग करके जितना मिलता है उससे गुजारा करें। बाकी लाइट की प्रॉब्लम है, वो भी आती जाती रहती है, बड़ोल में कुछ प्रॉब्लम चली हुई है तो उसके कारण भी थोड़े पानी की कमी रहेगी, परंतु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गंदे पानी की। तो जितने दिन ये गंदा पानी रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। तो मेरी जनता से यही प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सहयोग करें विभाग को और कम से कम जितना पानी कम से कम यूज होता है या कोई लोकल स्रोत है वहाँ से यूज कर लें, और जैसे ही पानी साफ होगा तो हम अपने फिल्टर बेडों को दोबारा साफ करके और सुचारू रूप से पानी दे देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए लड़भड़ोल से अनीता शर्मा की रिपोर्ट। और हिमाचल सीजन 2 रुक करेंगे कुछ नई राहों की तरफ और आपको ले चलेंगे कुछ नई मंजिलों पे। वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ मेमोरी वॉक्स विद आवर हिमाचल इन एसोसिएशन विद लाइफ टाइम्स टीवी। हिमाचल में हर सीजन से जुड़े हैं उस सीजन के स्पेशल पकवान। छोटा सा गांव शिमला ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट हैपनिंग टाउन इन द कंट्री। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेजेस ऑफ माय लाइफ हैव बीन रिटन हियर। शिमला हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हम इसे समर कैपिटल कहते हैं, ये भी एक गलती है क्योंकि ये समर कैपिटल से कहीं ज्यादा था। मंडी के मंदिर और मंडी की धाम, क्या यहीं तक सीमित है मंडी की शान? त्योहार का एक अलग और स्पेशल खाना। इस सीजन में हम आपको ले चलेंगे हिमाचल की और भी फैसिनेटिंग जगहों पे, बताएंगे अनटोल्ड स्टोरीज एंड इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स
दिखाएंगे हिमाचल के कल्चर और ट्रेडिशंस को और भी करीब से। स्टे ट्यून्ड टू लाइफ टाइम्स टीवी।